शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबां से फल देता है। शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबां से फल देता है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का वेलकम है पीएस स्टडी में, सभी साथियों का। इस क्लास में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके देखेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा साइजल वेल शब्द किससे संबंधित है। इस क्लास में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका आपको आंसर कमेंट सेशन में देना होगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। हाल ही में खबरों में रहा साइज वेल शब्द किससे संबंधित है। हमारे पास एक टर्म है साइज वेल, ये क्या है शब्द? आंसर हो जाएगा, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित एक शब्द है। एग्जाम में ऐसे ही आएगा कि साइज वेल शब्द एक अर्थव्यवस्था से संबंधित एक शब्द है, ये परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक शब्द है, ये राजनीति से संबंधित एक शब्द है। इस तरह से आपको दो चार आंसर ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा। तो आपको क्या आंसर करना है, ये जो ये साइज वेल शब्द है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संबंधित एक शब्द है। ये ब्रिटेन का पावर स्टेशन है साइज वेल, ब्रिटेन का पावर स्टेशन। तो ब्रिटेन का पावर स्टेशन क्या है? साइज वेल परमाणु ऊर्जा संयंत्र ब्रिटेन का एक पावर स्टेशन है, जहां पर वो परमाणुओं का निर्माण करता है, परमाणु बनाता है। अब यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म क्या है, मतलब इस जो पावर स्टेशन है इसकी पूरा नाम क्या है इसका? तो साइज वेल का पूरा नाम है साइज वेल सी पावर स्टेशन, साइज वेल सी पावर स्टेशन इसका पूरा नाम है। हाल ही में इसने क्या किया है ब्रिटेन ने, कि अपने पावर स्टेशन से चीन जनरल को बाहर कर दिया है, इस वजह से ये खबरों में है। तो खबरों में क्यों है साइज वेल? क्योंकि ब्रिटेन ने अपने पावर स्टेशन साइज वेल से चीन को बाहर कर दिया है, जो चीन के जनरल थे उनको बाहर निकाल दिया है, अब वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इस वजह से ये चर्चा में है। अब यहाँ पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र देख लिया, हम यहाँ पर देख लेते हैं चीन की अर्थव्यवस्था कौन सी है विश्व में, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था कौन सी है, भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है। हम टॉप 5 इकोनॉमी देख लेते हैं जीडीपी के आधार पर। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है चीन, पहली अर्थव्यवस्था यूएसए $20 ट्रिलियन की, दूसरी अर्थव्यवस्था चाइना की लगभग में लिखा है, पॉइंट भी है इसमें लेकिन मैंने लगभग में लिखा है यहाँ पर, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये यहाँ पर लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था यूएसए की है। चाइना दूसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पर यूएसए आता है। चाइना की यूएसए पहले नंबर पे अर्थव्यवस्था में, दूसरे नंबर पर चाइना है, जिसकी जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर की है, 14 ट्रिलियन डॉलर की है। तीसरे नंबर पर आता है जापान, जापान की इकोनॉमी कितने ट्रिलियन डॉलर की है, आंसर हो जाएगा 5 ट्रिलियन डॉलर की है। और जो भारत का सपना है 2030 तक, अभी 2025 तक था लेकिन नहीं हो पाया कोविड की वजह से, 2030 तक भारत का सपना है 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का। तो अभी तो तीसरे पर जापान एग्जिस्ट करता है, फिर चौथे पर जर्मनी है, जर्मनी की 3.99 लगभग ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। पांचवे नंबर पर एग्जिस्ट करता है इंडिया, जिसकी जीडीपी कितनी है अभी, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत की जीडीपी कितनी है, 3.5 ट्रिलियन डॉलर की वर्तमान में भारत की जीडीपी है। ये सभी लगभग में है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, छठे नंबर पर कौन आता है, छठे नंबर पर आता है ब्रिटेन यानी कि यूके। यूके की अर्थव्यवस्था 3.2 है, यूके की कितनी है, 3.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर आप ये छह अर्थव्यवस्था, जिसमें ब्रिटेन था चर्चा में तो हमने ब्रिटेन भी देख लिया, चीन था चर्चा में तो हमने चीन भी देख लिया, और इसी आधार पर हमने पहला भी देख लिया,
दूसरा भी देख लिया और भारत कौन से नंबर पर है वो भी हमने देख लिया, क्योंकि इम्पोर्टेंट है जो चीज न्यूज में है उससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हमारा क्वेश्चन हो गया कि हाल ही में खबरों में रहा साइज वेल शब्द किससे संबंधित है, यहाँ पर यह हो गया परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केरल के मल्लपुरम में कौन सी बीमारी में वृद्धि दर्ज की गई है, किसमें केरल के जिले मल्लपुरम में कौन सी बीमारी में वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि खसरा तो पहले से ही था यहाँ पर, अब उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, तो आंसर हो जाएगा खसरा। खसरा बहुत तेज चल रहा है ये बीमारी खसरे की, इसमें बुखार खांसी जुखाम अनेक तरह की बॉडी में दर्द बहुत सारी समस्याएं इसमें होने लगती हैं, तो आप इससे बचकर रहें। मैं जहां भी सुन रही हूँ मतलब मुझे भी बहुत जगह ये सुनने को मिला है कि खसरा का प्रकोप बढ़ गया है, तो आप भी इससे बचकर रहें, आप भी इससे सुरक्षित रहें। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में केरल के मल्लपुरम में कौन सी बीमारी में वृद्धि दर्ज की गई है, आंसर है खसरा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव आयोजित किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है ये टर्म, अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव, आंसर हो जाएगा गोवा में। कहाँ किया जाएगा लुसोफोन महोत्सव, गोवा में ये आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा, 3 से 6 दिसंबर 2022 के बीच में लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो इसमें विदेश मंत्रालय है प्लस भारतीय संस्कृति मंत्रालय है प्लस गोवा सरकार संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। अब संयुक्त रूप का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये विदेश मंत्री भाग लेंगे, भारतीय संस्कृति मंत्री भाग लेंगे, लेने को तो ये ले सकते हैं, लेकिन जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना इस महोत्सव में वो तीनों मिलकर के करेंगे, क्योंकि सभी के क्षेत्र बटे होते हैं तो सभी पर अलग अलग जगह से पैसा आता है, तो सभी को इसमें हिस्सेदारी करनी होगी, इसका मतलब ये हुआ संयुक्त रूप से। कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि यहाँ पर विदेश मंत्री आएंगे, यहाँ पर ये भारतीय संस्कृति मंत्री आएंगे, इसका मतलब ये नहीं होता, जो भी संयुक्त रूप से आयोजन होता है उसका मतलब यही होता है। या फिर आपने सुना होगा कि ब्रिटेन ने भारत के इस राज्य को रोड डेवलप करने के लिए या नदी के लिए इतने करोड़ रुपए का उसे सहायता दी है, इतने करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, तो वो क्या होता है, वो ये नहीं है कि मतलब फ्री में दे दिया है या इस तरह से दे दिया है, पैसा दिया है और वो पैसा लेगा भी, लेकिन जब संयुक्त रूप से होता है ना तो दोनों की भागीदारी हो जाती है उसमें। ओके, जैसे उड़ीसा में हमारे कई परमाणु संयंत्र बनाए रखे हैं, कोई कनाडा के माध्यम से, कोई फ्रांस के माध्यम से, कोई रशिया के माध्यम से, तो उसमें दोनों की भागीदारी है, प्रॉफिट होगा तो दोनों को होगा, लॉस होगा तो दोनों को होगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, किस राज्य में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव आयोजित किया जाएगा, आंसर हो गया गोवा। कब से कब तक किया जाएगा, 3 से 6 दिसंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपसे ऑप्शन में यही पूछ सकते हैं कि जो ये अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव आयोजित किया गया है, निम्नलिखित में से किसने पार्टिसिपेट नहीं किया है इसमें, तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों ने तो किया है लेकिन एक जो अलग होगा उसने नहीं किया है, तो ये आपको इसमें हेल्प होगी। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया, तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 हाल ही में हरियाणा में ये आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है, आंसर हो जाएगा हरियाणा में। कब किया गया, 29 और 30 नवंबर 2022 को ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें जो मुख्य अतिथि थी वो द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। कौन थी इसकी मुख्य अतिथि, द्रौपदी मुर्मू। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया जा रहा है, हमारा आंसर है हरियाणा में। कब से कब तक, 29 से 30 नवंबर 2022 तक।
ये कितने दिवसीय कार्यक्रम है? आंसर हो जाएगा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें मुख्य अतिथि कौन थी? तो इसमें मुख्य अतिथि थी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू हरियाणा में इस सम्मेलन में, इस महोत्सव में पार्टिसिपेट करने को आई थी, क्योंकि राष्ट्रपति तो दिल्ली में रहता है, तो ये हरियाणा में हुआ था, तो फिर हरियाणा में ये इसमें पार्टिसिपेट करने को आई थी एक मुख्य अतिथि के रूप में। अब नेक्स्ट देखते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव पर एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? आजादी का अमृत महोत्सव, आप सभी जानते हैं भारत की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है स्वतंत्रता की, तो उसी अवसर पर ये पूरा साल हमारा अमृत महोत्सव वर्ष ही है पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आजादी के अमृत महोत्सव पर एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इम्फाल। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, और इम्फाल में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कौन सा कार्यक्रम है? एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम। एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, इसमें किया गया। कब किया गया? 28 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया गया। ये एक दिवसीय कार्यक्रम था, 28 नवंबर को ही हुआ है, एक दिवसीय यहाँ पर कार्यक्रम है। एक दिवसीय का मतलब क्या होता है? एक दिन। ओके, तो यहाँ पर है नेक्स्ट है, किस लैब ने भारत की पहली को वर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च की है? क्वेश्चन क्या है हमारा, किस लैब ने भारत की पहली को वर्किंग रिसर्च हब लैब लॉन्च की है? आंसर हो जाएगा पी डेक्स ने इसे लॉन्च किया है, भारत की पहली। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भारत की पहली है, को वर्किंग रिसर्च हब लैब है, को वर्किंग रिसर्च हब लैब को पी डेक्स ने लॉन्च किया है, नवंबर 2022 में इसे लॉन्च किया गया है। तो ये क्लियर है आपको कि भारत की पहली को वर्किंग रिसर्च हब लैब किसने लॉन्च की है? पीडेक्स के द्वारा लॉन्च की गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 3 दिवसीय मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिश आयोजित किया गया? हमारा क्वेश्चन क्या है, किस शहर में, कोई शहर पूछा है हमसे, जिस शहर में इसका आयोजन किया गया था उस शहर का नाम पूछा है। तो यहाँ पर शहर, किस शहर में 3 दिवसीय, तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये 3 दिवस का आयोजन था, किस शहर में किया गया है मूंगफली उत्सव, जिसका नाम है कडालेकाई परिश का आयोजन किया गया। एग्जामिनर आपसे यही पूछ सकते हैं कि जो कडालेकाई परिश है, ये टर्म किससे संबंधित है? क्या ये बाजरे से संबंधित है, क्या ये गेहूं से संबंधित है, क्या ये चने से संबंधित है, या फिर ये मूंगफली से संबंधित है? इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताएंगे जो कडालेकाई परिश महोत्सव है, जो उत्सव है, ये मूंगफली के उत्सव से संबंधित है, इसे मूंगफली उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, किस शहर में मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में इसे मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? बेंगलुरु में मनाया गया है, बेंगलुरु के बसवन गुंडी में। कहाँ पर? बसवन गुंडी में इसे मनाया गया है। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम था। कितने दिवसीय कार्यक्रम था? 3 दिवसीय कार्यक्रम था। इतना क्लियर हो गया, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था और 2 साल के अंतराल के बाद इसे मनाया गया है। चलो आप सोचे कि 2 साल के अंतराल के बाद क्यों मनाया गया होगा, क्या समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी? तो सभी का आंसर होगा कि कोविड की वजह से। तो यही कारण है कि 2 साल बाद इसे दोबारा से मनाया गया है, 2 साल के अंतराल पर इसे मनाया गया है, क्योंकि कोविड की वजह से। तो आंसर हो जाएगा कोविड की वजह से। फिर है यहाँ पर 21 से 23 नवंबर 2022 के बीच में डोडा बास बन्ना मंदिर में बहुत बड़ी पूजा करके इसकी शुरुआत की गई थी।
अब क्वेश्चन आपसे करंट के लिए यहाँ से बन गया है कि डोडा बास वन्ना मंदिर कहाँ स्थित है, डोडा बास वन्ना मंदिर कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि कर्नाटक में स्थित है डोडा बास वन्ना मंदिर। हमारा क्वेश्चन क्या था, किस शहर में 3 दिवसीय मूंगफली उत्सव कड़ालेकाई परिश आयोजित किया गया है, आंसर है बेंगलुरु। और कड़ालेकाई परिश उत्सव किससे संबंधित है, मूंगफली से संबंधित है। ये 3 दिवसीय आयोजन था, नवंबर 2022 में किया गया, 21 से 23 नवंबर 2022 में, 2 साल के अंतराल के बाद इसे दोबारा से मनाया गया और डोडा बास वन्ना मंदिर में विशाल पूजा करके इसकी शुरुआत की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं, विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। क्वेश्चन क्या है, विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। तो 2024 तक आप एक ही टर्म याद रखने वाले हैं, जो कि जिनका नाम क्या है, विनय मोहन क्वात्रा का विदेश सचिव के रूप में कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है। वर्तमान में IFS अधिकारी, ये अधिकारी 31 दिसंबर 2022 को इनका सेवानिवृत्ति की तारीख थी, लेकिन सेवानिवृत्ति की तारीख से 30 अप्रैल 2024 तक ये जो विदेश सचिव हैं वो रहने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा विनय मोहन क्वात्रा। आपको ये टर्म याद रखनी है, ये नाम याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। ओके, हम देखते हैं अब नेक्स्ट, शिकारियों पर नजर रखने के लिए तैनात किए गए पहले कुत्ते का निधन हो गया है, उसका नाम क्या था। जैसे जो अवैध शिकार करते हैं, पशु हो गए, पक्षी हो गए, बहुत सारे व्यापार के माध्यम से, फूड यानी कि खाने के माध्यम से, खाद्य सामग्री के लिए, व्यापार के लिए, या फिर अन्य आभूषण वगैरह बनते हैं, आप सभी को पता है वही व्यापार में आ जाएंगे वो, उसके माध्यम से आयात निर्यात के लिए जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो जानवरों का, जीवों का शिकार करते हैं, उस पर नजर रखने के लिए एक कुत्ते को तैनात किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अभी उसका निधन हो गया है, ये पूछ रहे हैं कि उसका नाम क्या था। क्वेश्चन पूछा है कि उस कुत्ते का नाम क्या था, जो भारत का पहला कुत्ता था जिसे शिकारियों पर नजर रखने के लिए तैनात किया गया था। अभी हाल ही में उसका निधन हो गया है, तो उसका नाम पूछा है आपसे, नाम हो जाएगा उसका जोरवा। क्या हो जाएगा उसका नाम, जोरवा। नवंबर 2022 में इसका निधन हो गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये पर्यावरण से संबंधित है, एक जीवों से संबंधित है, इस वजह से आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्लेटफॉर्म ने SHOM द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पुरस्कार जीता है। क्या पूछा है, किस प्लेटफॉर्म ने, प्लेटफॉर्म का नाम पूछा है हमसे, कौन सा पुरस्कार है SHOM द्वारा ये प्राप्त किया है, सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग पुरस्कार है SHOM द्वारा ये दिया गया, किस प्लेटफॉर्म ने इसे प्राप्त किया है, आंसर हो जाएगा नीट डिजिटल लिमिटेड ने। किसने, नीट डिजिटल लिमिटेड ने इसको, किसको, सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग पुरस्कार को जीता है। अब यहाँ पर SHOM की फुल फॉर्म क्या है, जो ये जिसके द्वारा ये दिया गया है पुरस्कार, कौन सा, ई लर्निंग पुरस्कार। इस SHOM की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं SHOM द्वारा, हाँ, तो यहाँ पर जीता नहीं है, ये इनके द्वारा दिया गया है पुरस्कार। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि SHOM द्वारा हाल ही में किस प्लेटफॉर्म को
इन्होंने सर्वश्रेष्ठ ई लर्निंग पुरस्कार दिया है, आंसर हो जाएगा नीति डिजिटल लिमिटेड को। तो ये आज की हमारी करंट अफेयर थी, आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना। आपके लिए एक क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जीडीपी क्या होती है, क्योंकि यहां पर मैं बताना भूल गई थी। जीडीपी को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि हमने जीडीपी के आधार पर 6 इकोनॉमी देखी है विश्व की। तो जीडीपी क्या होती है यहाँ पर देख लेते हैं, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन जाएगा। जीडीपी होती है किसी एक वर्ष में किसी भी देश की सीमा के अंदर देश के नागरिकों द्वारा, देश के व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें नागरिक अनागरिक दोनों आ जाएंगे, देश के व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। दोबारा समझते हैं, जीडीपी क्या है। जीडीपी को इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, एक वर्ष में किसी भी देश की सीमा के भीतर उसके व्यक्तियों के द्वारा, उसके निवासियों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को ही जीडीपी कहा जाता है। यानी कि एक वर्ष में भारत में जितनी भी वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, उन सभी के मूल्य को मिलाकर जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। और वर्तमान में भारत की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जो कि 5वें स्थान पर आती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत कौन से स्थान पर आता है जीडीपी में 2022 में, ये न्यूज का क्वेश्चन है, न्यूज में रहा था कि भारत ने ब्रिटेन को छोड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है 2022 में। ये शायद अगस्त सितंबर की खबर है, अगस्त सितंबर 2022 तक भारत 6ठे नंबर पर एग्जिस्ट करता था, लेकिन ब्रिटेन को पीछे छोड़कर भारत 5वें नंबर पर आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसने पूरी दुनिया पर राज किया था, वो आज न तो भारत में क्षेत्रफल में आगे है, न जीडीपी में आगे है, और न ही वो किसी चीज में आगे है। तो यहाँ पर आपके लिए दो होमवर्क क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है, सशस्त्र सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, और हाल ही में कहाँ इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये इसका आंसर कमेंट सेशन में जरूर देना है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर देने में सक्षम है। ये दो क्वेश्चन कल की क्लास से हैं, इससे ये भी पता चलेगा कि आपने कल की क्लास कितना ध्यान से देखी है, सुनी है। जय हिंद जय भारत, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल प्रियंका शर्मा स्टडी पर मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत।